है ना वो लगनी है सीईसी की बैठक पर, यानी कि अगर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस उतारती है नहीं, वो कांग्रेस केंद्र चुनाव समिति की बैठक पर साफ कर देगी, जो आज होनी है शाम 6 बजे कांग्रेस के एआईसीसी हेडक्वार्टर में ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों को लेकर भी मोहर लगेगी। एमपी से जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, ओमकार सिंह मरकाम इसमें शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक एमपी में कई विधायकों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। छिंदवाड़ा बैतूल राजगढ़, झाबुआ, गुना, धार, देवास, सीधी पर पहली लिस्ट में अनाउंसमेंट संभव मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पार्टी कर सकती है। तो एमपी की मेन सीट्स पर अनाउंसमेंट हो सकती है और छत्तीसगढ़ में क्योंकि 11 ही सीटें हैं लोकसभा के, तो 11 की 11 सीटों पर आज प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस कर सकती है। बहरहाल सबकी नजर टिकी हुई है सीईसी की बैठक पर। सीईसी की बैठक होगी, उसमें साफ हो पाएगा और किसके नामों पर मोहर लगती है उसका ऐलान आज शाम हो जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी, उमंग सिंघार इस बैठक में शामिल होंगे। आज अशरफ काजमी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हुए हैं दिल्ली से, और ममता लांजेवार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अशरफ, एक बार फिर मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली में आज ये बैठक होनी है, और ये क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज, कितने नाम आज ओवरऑल कांग्रेस अनाउंस कर सकती है? छत्तीसगढ़ से तो करीब करीब उम्मीद की जा रही है कि सभी 11 सीटों पे नामों का को फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि छह जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि 6 सीटें हैं जिन पर सिंगल नाम गया है, जिसपे कोई विवाद ही नहीं है, सिर्फ उस पर हरी झंडी सीईसी को देनी है। 5 सीटों पर पैनल बनाया गया, तो उसमें भी कोई ज्यादा विवाद लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ में होगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस के सामने स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत साफ है कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार मैदान में है, और जातिगत समीकरण क्या है, क्षेत्रीय समीकरण क्या है, उस उम्मीदवार की क्या अच्छाई है और क्या कमियां हैं, सभी कांग्रेस जानती है। तो उसके लिए एक आसान ही बहुत है कि वो अपने उम्मीदवार उनके मुकाबले उतार सके और उसके जांच सके। तो कांग्रेस ने ये होमवर्क पूरा कर लिया होगा, उम्मीद ऐसी ही है, और उसी के मुताबिक आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हो सकता है कि लिस्ट भी जारी कर दी जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने अपनी पूरी करीब करीब तस्वीर साफ कर रखी है। यहाँ पर भी 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर रखा है, 5 सीटों पर रणनीतिक तौर पर उन्होंने रोकवा। तो हो सकता है कि कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश की तर्ज पर वो भी बीजेपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दे, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी को कांग्रेस को कुछ खोने के लिए नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही सांसद है छिंदवाड़ा से, नकुलनाथ, तो बाकी 28 सीटों पर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार अभी 24 जो बीजेपी ने डिक्लेयर किए हैं, तो कांग्रेस उनको जांच पड़ताल करने के बाद उनका नफा नुकसान, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण क्या है वो देखभाल करके उस पर सीईसी में फैसला ले सकती है, और आज या कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर लिस्ट जारी कर सकती है। जी बिल्कुल, नजर रहेगी हमारे उस पर। ममता लांजेवार भी जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ की कोई भी सियासी हलचल है ममता से नहीं छिप पाती है। ममता, वहां पर क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज आज की इस बैठक को लेकर भी, और जो अनाउंसमेंट हो सकती है 11 की 11 सीटों पर? बिल्कुल, देखिए सुबह दीपक बैस से बात हुई है पीसीसी अध्यक्ष से, और राय दिल्ली जाने से पहले उन्होंने बात की तो साफ ये कर दिया कि 11 सीटों पर आज नाम आ जाएंगे। और जाहिर तौर पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो काफ़ी कम समय है। पिछली बार की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ दो सांसद जो हैं वो कांग्रेस से हैं, एक दीपक बैस है और दूसरा ज्योत्सना महंत है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि दीपक बैस जो हैं उन्हें वो मना कर रहे हैं, पहले तो वो इच्छुक थे फिर उन्होंने मना किया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दीपक बैस जो हैं वो लड़ेंगे और ज्योत्सना महंत दोनों के नाम अपनी सीटों से तय है। इसके साथ ही राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। भूपेश बघेल हालांकि सबसे पहले जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन उनका कहना था कि पूरे प्रदेश भर में मैं घूमना पसंद करूंगा, लोगों के बीच जाना पसंद करूंगा, लेकिन अब जो है भूपेश बघेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है राजनांदगांव से। दूसरी तरफ बात करें तो टी एस सिंहदेव कह रहे थे कि पारिवारिक कारणों से, स्वास्थ्यगत कारणों से उनके घर में, परिवार में तबियत खराब है, तो वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, और काफी मुश्किल स्थितियों से इस वक्त
वो गुजर रहे हैं अगर हम बात करें तो पारिवारिक तौर पे, तो इसको लेकर लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बिलासपुर से जो है वो एक स्क्रीनिंग कमेटी में साफ तौर पे उनके नाम पे सहमति बनी है और वो बिलासपुर से चुनाव लड़ेंगे। कांकेर की अगर हम बात करें तो बीरेश ठाकुर का नाम आगे चल रहा है और अनिला भेड़िया जो है वो वहां से लड़ सकती है, दोनों के बीच में है। बीरेश ठाकुर को पिछली बार टिकट दी गई थी और मोहन मंडावी से हालांकि काफी कम उसमें वो। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जी दीपक बैज तय हो गए रायपुर से, जो सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है और जिसमें से बृजमोहन अग्रवाल को बीजेपी ने उतारा है और बृजमोहन अग्रवाल के को उतारने के पीछे ये भी कहा जा रहा है सीधे सीधे हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर भी वो पूरे प्रदेश भर में एक मैसेज देना चाहते हैं और काफी कद्दावर नेता है, अब तक का रिकॉर्ड शानदार रहा है। पिछले इस बार जो है वो 65,000 वोटों से जीते हैं महंत राम सुंदर दास से, तो एक महंत को उन्होंने हराया है तो साफ तौर पर इसलिए उनको भी सामने रखा गया। हालांकि इसके पीछे और भी कई तरह की बातें कही जाती हैं लेकिन इसको लेकर यह जरूर था कि कांग्रेस किसको उतारेगी। पिछली बार कन्हैया अग्रवाल को उतारेगी, इस बार विकास उपाध्याय जो हैं वो लगभग तय माने जा रहे हैं। बिल्कुल, और राकेश गुप्ता जो डॉक्टर राकेश गुप्ता, गुवाहाटी तो बहुत है लेकिन साफ जो है वो सीसी की बैठक के बाद ही हो पाएगा। ममता लौटेंगे आपके पास, भोपाल से वासु चौरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आप क्या देख पा रहे हैं भोपाल में, किस तरह की हलचल है? निश्चित तौर पर देखिए, ये बात तो पहले ही स्पष्ट हो गई थी कि जैसे ही मध्यप्रदेश से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी उसके बाद कभी भी सीट डिक्लेयर हो सकती है। तो अब राजस्थान में यात्रा प्रवेश कर चुकी है और मध्यप्रदेश को लेकर जो सियासी सरगर्मी है वो तेज हो गई है। तमाम बड़े नेताओं के जो नाम है वो सामने आए हैं क्योंकि भोपाल से लेकर दिल्ली तक कई बैठकों का दौर चला, स्क्रीनिंग कमेटियों की बैठक हुई। कांग्रेस ने दावा किया कि हमारे पास हर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त जो उम्मीदवार हैं और कई सारी सीटें तो ऐसी हैं जहां पर चार चार पांच पांच नाम भी पैनल में सामने आए, फिर उनको शॉर्टलिस्ट के दो किया गया और स्क्रीनिंग समिति के सामने अब एक एक नाम जो है वो लगभग तय हो चुके हैं। ऐसी जो जानकारी है वो सोर्सेस के हवाले से मिल रही है और किसी भी वक्त कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है और जिसमें बड़े नाम जो है वो निश्चित तौर पर सामने आएंगे, चाहे फिर वो कमलेश्वर पटेल के नाम की चर्चा हो। आप सभी को रोक रही हूँ यहाँ पर, वासु मैं रोक रही हूँ आपको यहाँ पर, उमा भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, सुनते क्या। जब मैं मना कर चुकी हूँ कि मुझे किस कारण से चुनाव नहीं लड़ना तो उसको स्पष्ट कर दीजिए पब्लिक के सामने, क्योंकि मैं पार्टी का एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। उम्र भले ही मेरी मोदी जी से 10 साल कम है लेकिन पार्टी के प्रति जो मेरा योगदान है, जब पार्टी बन रही थी 84 से पार्टी बन रही थी, दो सीटों से यहाँ तक आ रही थी, उस यात्रा में तिरंगा आंदोलन, घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन, यहाँ सरकार बनाने की चेष्टा, ये सब काम मैंने बहुत मन से किए, बहुत ताकत से किए। तो एक ऐसे व्यक्ति के आत्मसम्मान का ध्यान रखना होगा पार्टी को। मैंने जगत जी को परसों मेल किया कि ये, क्योंकि मैंने एक अखबार मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मध्य प्रदेश का, उससे मैं व्याकुल हो गई थी। तो मेरा फोटो उन्होंने लिखा कि ये साध्वी जी व्यथित हो गई हैं। नहीं, मैं बिल्कुल व्यथित नहीं हूँ, मैंने मना किया है कि गंगा का काम मेरे लिए सर्वोपरि है अभी। और वो 22 जनवरी को मेरे मन में दृढ़ता आई है और वो दृढ़ता इतनी पक्की है कि मैंने रामलला को मिली हुई माला अर्पित की है गंगा जी को, जो रामलला को मत्था टेकते समय पुजारी ने एक माला मेरी तरफ फेंक दी थी। उस दिन भीड़ बहुत थी रामलला के दर्शन करने के लिए, वो माला मेरे हाथ में आ गई और वो मैंने गंगा को अर्पित की कि जैसे रामलला का काम हुआ दृढ़ निश्चय के साथ अशोक सिंघल की, मेरे दृढ़ निश्चय से गंगा का काम होगा और इसके लिए 2 साल पर्याप्त थे। ये बात मैंने कन्वे कर दी, मैं चाहती थी कि पार्टी ही इसको कन्वे करती। जैसा 19 में अमित शाह जी ने मेरा बहुत सम्मान रखा था, जब मैंने कहा चुनाव नहीं लड़ना गंगा का काम करना है, तो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट बोर्ड में स्वयं घोषणा की। तो चुनाव लड़ने को लेकर यहां पर चीजें स्पष्ट करती हुई उमा भारती नजर आ रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।